हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से आपके चैनल सेल्फ हेल्प में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 द्विघात समीकरण कक्षा 10 एनसीईआरटी आरबीएसई का 11वां सवाल। कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 वर्ग मीटर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अपने पास दैर्ध्य देखिए, दो वर्ग दैर्ध्य हैं। इस प्रकार से ये आपके पास दो वर्ग है, एक तो पहला ये है जिसकी भुजा एच है और दूसरा वर्ग ये है जिसकी भुजा वाई है, ये वाई मान लिया। दोनों के क्षेत्रफल का योग 468 है, यानी कि आप वर्ग का जो क्षेत्रफल होता क्या होता है, भुजा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले हम इसका वर्ग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। पहला जैसे ये है ए है और ये बी है, ए का क्षेत्रफल कितना है बराबर एक्स स्क्वायर, बी का क्षेत्रफल बराबर एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर, इसकी भुजा वाई है, वाई स्क्वायर गया, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर। और दोनों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ये समीकरण नंबर एक हो गई। दूसरा कहता है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है, जैसे ये वाला वर्ग लेते हैं परिमाप, एक वर्ग का परिमाप होता है, परिमाप हम जानते हैं परिमाप क्या होता है 4 × भुजा, ठीक है। इस हिसाब से इसका जो परिमाप अपने पास 4x माइनस 4y इक्वल टू 24 हो गया, 24 देगा ना, देखो 24 है, और x माइनस y इक्वल टू अपने पास 24, ये 4 हमने बाहर ले लिया, और x माइनस y इक्वल टू 24 बटा 4 बराबर 6 रह गया, और एक्स बराबर अपने पास क्या हो गया, हमने वाई को उधर पक्षांतरण करेंगे तो 6 प्लस वाई हो एक्स बराबर। अब ये समीकरण दो हो गई। अब अपने पास समीकरण एक और दो, या एक्स का मान चाहिए अपने को या वाई का चाहिए, एक्स बराबर अपने पास क्या है 6 प्लस वाई, तो समीकरण नंबर एक वह दो से हम यहां पर लिख सकते हैं, देखिए ये एक्स की जगह हम क्या लिखते हैं 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, ये हम लिखेंगे क्योंकि एक्स बराबर अपने पास क्या है, इस समीकरण में लिखा एक्स की जगह 6 प्लस वाई लिखा। अब हम इसमें यहां पे एक सरल समीकरण ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये है, इसके अनुसार करते 6 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 × 6 × y प्लस y का स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर इक्वल टू 468 है। ये अपने पास ये 6 का वर्ग 36 प्लस 12y प्लस 2y स्क्वायर हो गया बराबर 468 हो गया। अब हम क्या इसको भी इधर पक्षांतर करते हैं तो 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से घटाते हैं 2y प्लस 12y और इसमें से घटाएंगे माइनस में संख्या आएगी, 8 में से 6 गए तो 2 और 6 में से 3 गए तो 2 और अपना 4, 422 इज इक्वल टू 0। अब अपने पास क्या देखिए, 2 हम सब्जी से बाहर लेते हैं तो अपने पास ये y स्क्वायर रहेगा, इधर अपने पास 6y जाएगा और इधर पास 2 × 1 इज इक्वल टू 11। अब देखिए बाकी अपना थोड़ा देख लेते हैं, गलत तो नहीं हो गया, अपने पास 2 × 3 = 4 432 रहेंगे, सॉरी ये 432 है। यहाँ पे क्या हम 2 का भाग देते हैं, 2 सभी जगह उभयनिष्ठ शायद वाई स्क्वायर रहेगा प्लस के 6y रहेंगे माइनस के 2
फिर एक आएगा और छह आएगा, 216 हो गए, ठीक है ना। अब अपने पास देखिए यहां पर द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि, आपको जो अच्छी लगती है उसे आपको हल करना है। तो मैं यहां लिखता हूं वाई स्क्वायर प्लस के 18y माइनस के 12y और माइनस के 216 इज इक्वल टू जीरो। मैंने इसके टुकड़े किए, देखिए 18 माइनस 12 प्लस के 6 जगह और दोनों को गुणा करेंगे, 18 गुणा 36 3, 18 3 21 216 हो गए, इनका जोड़ा बन गया और इनका जोड़ा बन गया। यहां से मैं वाई बाढ़ लेता हूं, वाई प्लस 18 हो गया, यहां से मैंने 12 वाई बाढ़ लिया, वाई प्लस 18 हो गया, इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। वाई प्लस 18 दोनों जगह यहां पे भी है यहां पे भी है, इसलिए हम इसको बाहर ले लेते हैं। तो अपने पास वाई माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब अपने पास देखिए हमारे को चाहिए कि यहां दोनों का गुणा जीरो है, इसलिए वाई प्लस 18 बराबर जीरो इंप्लाई करेगा वाई बराबर माइनस के 18, और वाई बराबर वाई माइनस 12 है इज इक्वल टू जीरो, ये इंप्लाई करेगा वाई बराबर 12। अब देखिए कोई सी भी भुजा जो होती है आपकी माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए हम यहां लिखते हैं वाई इज इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है। ये इसकी भुजा आ गई, हमें भुजा याद करनी है, इस वर्ग की भुजा आ गई। अब हमें किसकी चाहिए, इसकी भुजा चाहिए, वो अपने पास देखिए यहां पे दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है, x माइनस 12 इज इक्वल टू 6 है, और ये इंप्लाई करेगा x बराबर 6 प्लस 12 बराबर 18 मीटर, ठीक है। यानी इस ए वर्ग की भुजा आपके पास क्या गई, 18 मीटर आई और इसकी 12 मीटर आ गई, यही तो हमें याद करना है, ठीक है साथियों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप फिर चाहे पढ़ सकते हैं, और नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठे, ताकि हर स्टेप जब आप लिखते जाएंगे जहां समझ में नहीं आया वहां मुझे कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट करूंगा, ठीक है दोस्तों। बस फेसबुक पे है तो आप सेल्फ हेल्प फॉर यू पेज को फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।